पहला वाला चार लिंग हुई दूसरी जब क्या लिंक नहीं डाली क्या अब नई लिंक डाली हुई आवाज आ रही क्लियर कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट भाई डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आवाज आ रही है क्लियर? हर्षल चांद वेरी गुड। हाँ आवाज पहुंच रही है आप तक, ठीक है। सभी को स्पष्ट क्लियर आवाज आ रही है? कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट बताइए। देखिए आज अपने एयरफोर्स वाई ग्रुप के क्षेत्रमिति का एक प्रश्न आता है, उसके संबंधित डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका टॉपिक क्वेश्चन हमेशा रहता है क्षेत्रमिति के अंदर। सभी फटाफट लाइव आइए और लिंक को शेयर कीजिए, दोस्तों को बता दीजिए, क्योंकि अपने ऑफलाइन क्लास के अंदर ये टॉपिक रह गया था। इस टॉपिक को अभी आज ऑनलाइन के माध्यम से अपन पूरा कर रहे हैं। देखिए टॉपिक का नाम है क्षेत्रमिति, जिसके अंदर अपने एरिया को लेंगे, अपने सिलेबस के अंदर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लिंक शेयर कीजिए, फटाफट लाइव आ जाइए, जितने हो सकते हैं उतने सभी को बता दीजिए। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसलिए। कोरोना टाइम में दिल्ली कैसे पहुंच जाओगे? दिल्ली कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम देना है टाइम पे जाके। अब देखिए क्षेत्रमिति के अंदर सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं त्रिभुज ट्रायंगल, इसकी कुछ विशेषता है। पहली विशेषता, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, अर्थात ये इस टाइप से होता है ए बी सी। अर्थात इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, तीन कोण होते हैं इसमें, तीन भुजाएं होती है इसमें एंड तीन शीर्ष होते हैं इसमें और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज की ये विशेषताएं होती हैं, त्रिभुज की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए अब अपने आता है त्रिभुजों के प्रकार। दो भागों में बांट रखे हैं इनको, पहला कोणों के आधार से
आधार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं एंड भुजाओं के आधार से त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कोणों के आधार से भी तीन प्रकार के और भुजाओं के आधार से भी तीन प्रकार के। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण, तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। समकोण, एक कोण 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। देखिए अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल के संबंधित पढ़ेंगे, लेकिन त्रिभुज की बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति नहीं है इसके अंदर, नैनसिंह अभी क्षेत्रमिति करवा रहा हूं। दूसरा भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार का। पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा सम डी बाहु त्रिभुज, कोई दो भुजाएं समान होती हैं। तीसरा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। देखिए त्रिभुजों के प्रकार हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल के संबंधी हम पढ़ेंगे तो त्रिभुज की बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए। त्रिभुज में क्या क्या होता है, तो त्रिभुज के मतलब तीन कोण, तीन भुजाएं, तीन शीर्ष और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके अलावा त्रिभुज के दो भागों में बांट आकार कोणों के आधार से, और अपना दूसरा है भुजाओं के आधार से। कोणों के आधार से भी तीन प्रकार के, भुजाओं के आधार से भी तीन प्रकार के। तथास्तु भवन सुमेर सर 24 को जयपुर सेंटर, वेरी गुड डुबराम। आप देखिए अपन को कुछ इनकी बेसिक जानकारी हमें पता होना चाहिए। ये त्रिभुज का था। अब त्रिभुज के अंदर और कुछ फॉर्मूले हैं, इनको याद रखने हैं आपको। पहली चीज अपने पास ये है कि परिमाप, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। किसी भी आकृति का हमें परिमाप ज्ञात करना है तो उसकी सभी भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाता है। तो ये त्रिभुज का परिमाप होता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या ऊंचाई दी गई हो तो क्षेत्रफल दोनों का सेम ही रहता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर या फिर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें
पहले इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करना पड़ता है जिसको एस से लिखते हैं, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा दो, या हम कह सकते हैं तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग बटा दो, मतलब अर्ध परिमाप कह सकते हैं। फिर एस आने के बाद क्षेत्रफल का एक विशेष फॉर्मूला काम में लिया जाता है, रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये एक विशेष फॉर्मूला काम में लिया जाता है। जब तीनों भुजाएं अलग अलग होती है तो इसको हीरो का सूत्र भी कहते हैं, हीरो का सूत्र। ये त्रिभुज के बेसिक फॉर्मूले हैं तो हर जगह हर सिस्टम में काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा जैसे ये विशेष फॉर्मूला किसी सम दी बाहु सम दी बाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि कर्ण दे रखा है तो कर्ण का स्क्वायर बटा फोर, या आपको आधार दे रखा है तो आधार का स्क्वायर बटा दो, और या लंब दे रखा है तो लंब का ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर बटा दो। ये विशेष फॉर्मूला है, कर्ण का साथ दे रखा है तो कर्ण का स्क्वायर बटा दो कर देंगे, और आपको आधार या लंब दे रखा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जिसकी दो भुजाएं बराबर रहती हैं, तो उसके लिए ये काम में लिए जाते हैं। ये क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। आवाज आ रही क्लियर? फटाफट बताते रहिएगा और लिंक को शेयर कीजिए। अब देखिए अपना प्रश्न कैसे आता है त्रिभुज के आधारित, वो देखिए। ये तो फॉर्मूले हैं त्रिभुज के, इनसे बाहर अपना प्रश्न नहीं जाता है। त्रिभुज के प्रश्न हमारे इस प्रकार से बनते हैं, सीधा सिंपल, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है तथा एसी बराबर 10 मीटर एवं एबी बराबर 8 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी बराबर 90 डिग्री, फटाफट आंसर निकालिएगा, बी बराबर 90 डिग्री है तथा एसी इसमें 10 दे रखी है, मतलब ये समकोण त्रिभुज बी 90 डिग्री है ए बी सी, तो इसने कहा एसी 10 है और ए बी कितनी है 8 है, तो हमें यह ज्ञात करनी पड़ेगी पहले भुजा, और ये हम भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करते हैं। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। कितनी आ जाएगी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कंटिन्यू बने रखिए। मनीष प्रतापत वेरी गुड 6। हाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालना है ये आधार, तो आधार निकालने के लिए रूट के अंदर लंब कर्ण का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, 100 माइनस 64 कितनी आ जाएगी 36, 36 का रूट कितना हो जाएगा 6, ये हो गया था। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई 8 है तो ये कट जाएगा 4 बार 624 वर्ग मीटर। हमेशा ऊंचाई सॉरी क्षेत्रफल वर्ग के अंदर ही आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिभुज का, दस मीटर व 15 मीटर लंबे दो पोल समतल पर
12 मीटर दूरी पर है तो उनके शीर्षों के मध्य कितनी दूरी है? 10 मीटर वो 15 मीटर लंबे दो पोल एक समतल पर 13 मीटर दूरी पर है, सॉरी 12 मीटर दूरी पर है तो उनके शीर्षों के मध्य कितनी दूरी है? देखिए ये समतल त्रिभुज है, समतल जमीन है, एक है 10 मीटर मान लो ये 10 मीटर है और दूसरा 15 मीटर मान लो ये 15 मीटर है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर। तो इनके शीर्षों के मध्य की दूरी क्या है? ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, कितनी होगी फटाफट बताइएगा। तो हम इसको इसके पैरेलल मान लेंगे, ये हो जाएगी हमारी, तो यहां से यहां तक ये लंबाई कितनी हो जाएगी? 12 मीटर। और ये लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 इधर से 10 ये कम हो जाएगा 5 मीटर। अब वही पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, त्रिभुज की दूरी क्या हो जाएगी? शीर्षों की दूरी हो जाएगी, दूरी मतलब यहाँ कर्ण से लिया गया है तो क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 12 का वर्ग प्लस 13 का सॉरी 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग अर्थात 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 169 का रूट बराबर 13 मीटर। दोनों के बीच की दूरी, दोनों शीर्षों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 13 मीटर हो जाएगी। बिल्कुल सीधे सिंपल क्वेश्चन है फॉर्मूले बेसिस पर। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, एक समद्वी बाहु त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है तो उसका विकर्ण कितना है? एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है तो उनका कर्ण कितना है या विकर्ण कितना है? 13 होगा इसमें। देखिए 64 वर्ग मीटर इसमें 13 नहीं होगा, उसका विकर्ण या कर्ण कितना होगा? मान लीजिए जैसे समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये देखो, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज का हमारे पास ये क्षेत्रफल है, ये रहा अर्थात सम दी बहु त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जब विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण या कर्ण का स्क्वायर कह सकते हैं, विकर्ण या कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बटा 4। तो क्षेत्रफल हमें कितना गिवन है? यहां पर क्षेत्रफल देखिए 64 कर्ण का स्क्वायर बटा 4, तो स्क्वायर जैसे ही यहां से हटेगा इसके ऊपर रूट 64 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8, और 8 का ये 4 गुणा में हो जाएगा 4 बराबर कर्ण, अर्थात उसका कर्ण हो जाएगा 32 मीटर। 8 जाएगा, 8 का ये आप कर दोगे 32 मीटर। देखिए 64 दे रखा है, 64 का वर्ग करने पे अपने को कर्ण का ज्ञात करना है तो कर्ण कितना हो जाएगा? ये आपके हो जाएगा 64 वर्ग, स्क्वायर हटाएंगे रूट का इसका हो जाएगा 64, 64 का 8, 8 को 4 से गुणा करेंगे 832 ये हो जाएगा। तो सीधा सिंपल होता है, इनका फॉर्मूले याद रखने हैं और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इन प्रश्नों को लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सम बाहु त्रिभुज
की भुजा M है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा M है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं अपन। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूले याद रखना है रूट थ्री अपॉन फोर भुजा स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर। मान लीजिए ये हमारा समबाहु त्रिभुज है ये जिसकी भुजा एम एम एम, तो इसका क्षेत्रफल ये इसकी ऊंचाई ये बीच वाली होगी ये। तो यदि ऊंचाई दे रखी है क्षेत्रफल क्या होता है तब क्षेत्रफल हमारा क्षेत्रफल ये आ जाएगा रूट थ्री अपॉन फोर एम स्क्वायर बराबर ऊंचाई दे रखी है एक बटा दो इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए अब इसमें क्या होता है एक बटा दो आधार इंटू ऊंचाई तो रूट थ्री अपॉन फोर एम स्क्वायर बराबर एक बटा दो आधार अपन ये एम मान लेंगे इंटू ऊंचाई। तो ये एम से एम स्क्वायर कट जाएगा ये दो से चार कट जाएगा तो रूट थ्री अपॉन टू एम बराबर ऊंचाई। उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी रूट थ्री अपॉन टू ऊंचाई हो जाएगी। इस टाइप से ये समकोण त्रिभुज के प्रश्न रहते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखिए जैसे ही प्रश्न दिया जाता है आप आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा साथ साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 5√3 वर्ग सेमी की वृद्धि हो जाती है। तो पहले वाले संभव त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। एक संभव त्रिभुज की भुजा में 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 5√3 की वृद्धि हो जाती है वर्ग सेंटीमीटर में तो पहले वाले त्रिभुज का परिमाप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है परिमाप कैसे निकालोगे। देखिए परिमाप निकालने के लिए मान लीजिए पहले हमारे पास ये त्रिभुज था इसकी भुजा जो भी थी और दूसरा वाला त्रिभुज ये हो गया ये इसकी भुजा जितनी भी थी मान लीजिए पहले वाले त्रिभुज की भुजा हम a मान x मान ले तो दूसरे वाले कितनी हो जाएगी x प्लस 2 सेंटीमीटर। पहले वाले की जितनी थी उसमें इतनी वृद्धि कर दी तो उसके क्षेत्रफल ये बड़ा हुआ क्षेत्रफल के बड़ा हुआ क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई तो बड़े हुए क्षेत्रफल में हमारी वृद्धि हुई है 5√3 वर्ग सेमी की। तो हम क्या करेंगे कि भाई पहले वाले छोटे वाले छोटे का क्षेत्रफल निकालेंगे छोटे वाले संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट थ्री अपॉन फोर भुजा कितनी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही कंडीशन ये दोबारा कह रहा है वापस
वो ये कह रहा है कि बड़े वाले त्रिभुज, बड़ी हुई भुजा वाले बड़े का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही है, समबाहु त्रिभुज का रूट थ्री अपॉन फोर, यहां भुजा हो जाएगी x प्लस टू स्क्वायर। देखिए छोटे वाले त्रिभुज की भुजा x है, बड़े वाले की x प्लस टू। तो फिर अब देखिए इन दोनों को जैसे ये बढ़ा, इन दोनों में डिफरेंस कितना आया है, अंतर आया है ये, अर्थात इसके अकॉर्डिंग हम सेटलमेंट करते हैं तो ये और ये इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। अर्थात देखिए हम कहते हैं, कह सकते हैं कि रूट थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इसमें से ये छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करते हैं रूट थ्री अपॉन फोर एक्स स्क्वायर, तो इनका अंतर कितना आना चाहिए, पांच रूट तीन। ये सभी काय हैं। अब इसको हल करना है तो हल आप कैसे करोगे, इसको देखिए जितना हल कर सकते हो, आवाज क्लियर आ रही है साथ साथ में देखिएगा, पेन चेंज करेंगे, हाँ हो रहा है। देखिए अब इसको हल करो तो यहां पर हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला सेट हो जाएगा, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये सेम रहेगा रूट थ्री अपॉन फोर। देखो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये नाम सुना होगा आपने, अर्थात यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस दो दो चार, चार एक्स प्लस चार, इसको खोलने पर ही आ गया माइनस रूट थ्री अपॉन फोर एक्स स्क्वायर बराबर पांच रूट थ्री। अब इस देखो ये जो टर्म है, ये जो बार वाली संख्या है, ये दोनों के साथ गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी, इससे भी गुणा होगी और इससे भी गुणा होगी, ये बार वाली संख्या है तो तीनों से गुणा होगी, तो गुणा होने के बाद क्या हो जाएगी, ये गुणा होगा हमारा तब रूट थ्री अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस ये से गुणा हो जाएगा रूट थ्री इंटू चार एक्स बटा चार प्लस इससे भी गुणा हो जाएगा चार रूट थ्री बटा चार माइनस ये सेम आ रहा है रूट थ्री अपॉन फोर एक्स स्क्वायर बराबर पांच रूट तीन। अब इस पे जो कट रहा है वो काट सकते हैं कैसे, देखिए ये देखिए रूट थ्री अपॉन फोर एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है रूट थ्री अपॉन फोर एक्स स्क्वायर, तो ये अपना सेटलमेंट हो जाएगा, कट जाएगा इसके साथ में, ये चार से ये चार भी कट जाएगा, ये चार से ये चार भी कट जाएगा, तो हमारे पास बचा कौन, हमारे पास ये बचा है, इधर बचा है रूट थ्री एक्स प्लस यहां बचा रूट थ्री, ठीक है, और इधर आ रहा है पांच रूट थ्री, ये इधर कौन आ गया पांच रूट थ्री, तो देखो इसमें रूट तीन कॉमन आ सकता है, रूट तीन कॉमन आ गया, एक्स प्लस वन इजिकल टू पांच रूट तीन, तो रूट तीन से रूट तीन कट जाएगा, एक्स प्लस वन इजिकल टू पांच है, एक्स बराबर हो जाएगा पांच माइनस एक, देन एक्स बराबर चार, ये चार क्या आई है हमारी इस त्रिभुज, छोटे वाली त्रिभुज की भुजा आई है। तो प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है कि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो, सॉरी परिमाप कितना होगा, देन परिमाप हो जाएगा, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, अर्थात चार गुणा तीन बराबर बारह मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है, थोड़ा ध्यान बारीकी से देखिए, आया हुआ प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये भी फिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/2 / 1/3 / 1/4 है तथा इनका परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजा क्या है। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात हमारे पास 1/2 / 1/3 / 1/4 है तथा इसका क्षेत्रफल इसका परिमाप हमारे पास 52 है तो इस त्रिभुज का अपन को ज्ञात करना है कि भी बड़ी भुजा क्या है। तो मान लीजिए जो अनुपातिक वैल्यू दे रखी है पहली भुजा इन सभी के साथ अपना एक्स मान ले या इसका देखो ये अनुपात है तो इसको 1/2 / 1/3 / 1/4 तो हम इसका एलसीएम लेंगे इसको साधारण अनुपात में बदलेंगे तो 12 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 अनुपात मतलब और ये हो जाएगा 4 अनुपात ये हो जाएगा 3। अनुपात के साथ में x लेना होता जरूरी है तो ये 6x हो जाएगा एक भुजा एक भुजा दूसरी 4x हो जाएगी तीसरी 3x हो जाएगी। परिमाप का मतलब क्या होता है तीनों भुजाओं का योग ये अपने आप हट जाता है तो हमारे पास इसका भुजाओं का अनुपात क्या होगा पहली भुजा हो जाएगी 6x दूसरी हो जाएगी 4x और तीसरी हो जाएगी 3x इनका योग कितना होता है 13x। तो हमने मानी इनका पर जो हमने माना है त्रिभुज का परिमाप वो आया 13x तो अब इसमें कितना हो जाएगा ओरिजिनल हमारा परिमाप कितना है 52 ये x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इसने पूछा बड़ी भुजा कितनी है 6 × 4 624 सेंटीमीटर उस त्रिभुज की बड़ी भुजा क्या है वो छोटी भुजा पूछता है तो छोटी भुजा भी हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुज में हमारे सीधे सिंपल और साधारण प्रश्न आते हैं। ये हमारा त्रिभुज इस सिस्टम से क्षेत्रमिति से खत्म होता है त्रिभुज में स्टैच रहते हैं। अब इसी का नेक्स्ट अगला पार्ट आ रहा है वो हमारा रहेगा आय चतुर्भुज। त्रिभुज के बाद आ रहा है चतुर्भुज बहुत जरूरी है चतुर्भुज जिसका एक प्रश्न आता है और पहले त्रिभुज त्रिभुज के बाद में आता है चतुर्भुज। तो देखिए चतुर्भुज ज्ञात करने के लिए अपन किस टाइप से कैसे कैसे चतुर्भुज के प्रश्न आते हैं उनको कैसे लेना होता है। चतुर्भुज में एक आयत वर्ग ही आते हैं इनके प्रश्न रहते हैं। देखिए इस लिंक का साथ साथ में लिंक को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों को बताते रहिए। नीचे नहीं दिख रहा अभी वह आगे नैन सिंह नीचे नहीं लिखेंगे और सैंडी ये क्या है समोसे अरे समोसे के पीछे नहीं भागना समोसे के लिए आप घूमते रहोगे यहीं पढ़िए और ध्यान रखिए। अब वापस और कौन सा बोम सिंह वापस देखते हैं अभी अब चतुर्भुज की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी विशेषता होती है 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज किसे कहते हैं 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। अब देखिए इसकी कुछ 4 भुजाएं कैसी हो किसी भी प्रकार से मान लीजिए ये तो ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती है 4 कोण होते हैं इसमें 4 भुजाएं होती है इसमें 4 शीर्ष होते हैं इसमें अधिकतम विकर्ण 2 होते हैं अधिकतम विकर्ण कितने होते हैं 2 होते हैं चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये चतुर्भुज की सामान्य विशेषताएं होती हैं इसमें 4 कोण
इस पे हाँ मनीष क्या लिखा सर एसआईटी वाले बी क्वेश्चन एसआईटी कौन से। देखिए इसके अंदर चार कोण होते हैं, चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष होते हैं, अधिकतम विकर्ण दो होते हैं और सर सीट के 22 अच्छा हाँ सीट सीट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सअप कर देना दिखा दूंगा। देखिए चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसके अलावा परिमाप पेरीमीटर परिमाप किसी भी आकृति का परिमाप उनकी सभी भुजाओं का योग होता है। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं तो चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग। किसी भी चतुर्भुज जिसका कोई नाम नहीं दे रखा है उसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 इंटू विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। किसी भी चतुर्भुज जिसका नाम नहीं दे रखा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्ण अपॉन विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस चतुर्भुज पर आधारित एक प्रश्न आया हुआ है। मनीष प्रतापत वेरी गुड, सीट वाले करवाएंगे लेकिन सीट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अब की बार लाइव क्लास में लेंगे, पहले एक बार सिलेबस हो जाता है फिर अपन सीट के अकॉर्डिंग सिलेबस को चलाएंगे, जितना सीट में कितना रहता है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए ये चतुर्भुज की जो है वो बेसिक जानकारी है, चतुर्भुज में कौन कौन से चतुर्भुज हैं और उसको हमें कैसे कैसे लेना है। अब इस चतुर्भुज में चतुर्भुजों के प्रकार बेसिक चीजें याद रखना, प्रकार सामान्यतः इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। पहला समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम अर्थात किसे कहते हैं, इस टाइप का होता है समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर वह समांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, श्याम कमिया सीट कविया हाँ सीट वाले करवाएंगे, अभी पहले इसको लेते हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती बराबर व समानांतर होती हैं उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इस टाइप से आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समानांतर होती है उसे हम समांतर चतुर्भुज, ये और ये समानांतर है, ये और ये समानांतर है। फिर इसकी विशेषताएं होती है विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं होती है उसके विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित होते हैं। मतलब यहां से ये विकर्ण जा रहा है, विकर्ण दो आमने सामने की कोणों को मिलाने, एक विकर्ण ये है मान लो ये एबीसी हम एक समांतर चतुर्भुज मान ले तो एसी विकर्ण है, दूसरा विकर्ण हो जाएगा डीबी या बीडी। अब ये समद्विभाजित का मतलब ये होता है यहां पर कि जो ये पॉइंट है ये इसकी और इसकी लंबाई और इसकी और इसकी लंबाई बराबर होती है। मान लीजिए एडी एसी पूरा 10 सेंटीमीटर है तो 5 ये होगा 5 ये होगा, या फिर मान लीजिए डीपी आपका 8 सेंटीमीटर है तो 4 ये होगा 4 ये होगा। अर्थात जहां पर दोनों समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में काटते हैं तो बराबर भागों में करते हैं, बराबर भागों में बटाते हैं। अब दूसरा परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप कोई भी आकृति हो उसकी सभी भुजाओं का योग अर्थात चारों भुजाओं का योग। नेक्स्ट क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार
इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है। समांतर चतुर्भुज के मिलता जुलता ही टॉपिक होता है जिसका नाम है आयत। रेक्टैंगल आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है उसे आयत कहते हैं। आयत किसे कहते हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समानांतर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है उसे हम आयत कहते हैं। जैसे अब देखिए आयत है वो सभी समांतर चतुर्भुज होते हैं क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की विशेषता ये उससे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो ये समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से होता है लेकिन आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है 90 डिग्री का होता है। परिमाप आयत का परिमाप निकालना है तो हमारे पास क्या बनेगा? चारों भुजाओं का योग या हम कह सकते हैं दो लंबाई प्लस चौड़ाई या फिर क्षेत्रफल निकालना आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयत है। आयत और समांतर चतुर्भुज एक दूसरे के मिलते जुलते हैं। बोर्ड का व्हाइट कलर किया हुआ है मेरे। नेक्स्ट देखिए तीसरा चतुर्भुज हाँ मनोज कुमार क्या बोर्ड कलर सही नहीं दे रहा है? वैसे ठीक है व्हाइट कलर है ब्लैक इंक से लिखा जा रहा है फिर भी चल देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वो ये सम चतुर्भुज अर्थात चारों भुजाएं बराबर व समांतर होती है उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज या ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर व समानांतर होती हैं उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए इसकी कुछ विशेषताएं विकर्ण आपस में लंब समदी भाजित होते हैं। समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित लंब समद्विभाजित होते हैं जबकि समांतर चतुर्भुज में ओनली समद्विभाजित होते थे। लंब समद्विभाजित का यहां मतलब ये लिया गया है कि ये जो भुजा आ रही है यहां पर और यहां पर बराबर भागों में तो बढ़ते ही हैं इसके अलावा यहां पर वो समकोण भी बनाते हैं जबकि यह समांतर चतुर्भुज में समकोण नहीं बनता है और यहां पर समकोण बनता है। दूसरा परिमाप परिमाप चाहे कोई भी आकृति हो सभी भुजाओं का योग अर्थात चारों भुजाओं का योग चारों भुजाओं का योग। इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं तो हम कह सकते हैं चार गुणा भुजा मतलब ये कह सकते हैं या चार गुणा भुजा। तीसरा क्षेत्रफल एक बटा दो इंटू विकर्णों का गुणनफल।
सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए सम चतुर्भुज के मिलता जुलता होता है उसका नाम है वर्ग स्क्वायर। चारों भुजाएं बराबर व समांतर होती है तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान व बराबर समानांतर होती हैं तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है उसे हम वर्ग कहते हैं। मतलब ये सम चतुर्भुज के मिलता जुलता ही होता है। सम चतुर्भुज में सभी कोण समकोण नहीं होते हैं, इस वर्ग के अंदर चारों कोण समकोण होते हैं। बाकी वर्ग जितने भी है वो सम चतुर्भुज की परिभाषा में आ जाते हैं कि आमने बामने सामने की भुजाएं बराबर व समानांतर होती है तो ये हो जाता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब देखिए इस टाइप से वर्ग रहता है, सभी भुजाएं बराबर व समांतर तथा प्रत्येक कोण समकोण। विकर्ण वही लंब संधिबाधित होते हैं। परिमाप चारों भुजाओं का योग या चार गुना भुजा कह सकते हैं। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या कई बार विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण का स्क्वायर 2/2 ये फॉर्मूला भी काम में ले सकते हो। ये चार चतुर्भुज, पांचवा चतुर्भुज देखिए। देखिए इस टॉपिक के अंदर में अभी आपको चार चतुर्भुज कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, कौन कौन से चतुर्भुज। नेक्स्ट आ रहा है सम लंब चतुर्भुज त्रिभुज। कोई एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज चारों भुजाओं में से कोई एक जोड़ी भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे तो ये और ये समानांतर है, कैसे भी हो मतलब इनका ये और ये समानांतर है, कोई भी एक जोड़ी भुजाएं समानांतर होती है उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब इसका परिमाप कोई भी आकृति हो, सभी भुजाओं का योग अर्थात चारों भुजाओं का योग। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1/2 गुणा ऊंचाई मतलब दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मतलब ये दूरी और गुणा समांतर भुजाओं का योग। ये पांचवा चतुर्भुज है जिनके पांच फॉर्मूले क्षेत्रफल ज्ञात करने के फॉर्मूले याद रखने हैं और इसके आधारित इनके प्रश्न चतुर्भुज के प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं वो देखिए। प्रश्न की बात करते हैं, ये तो थे चतुर्भुजों के प्रकार जो बेसिक जानकारी के चतुर्भुज है। पहला प्रश्न ये फिक्स है जो आया हुआ है, एक चतुर्भुज में विकर्ण 20 सेंटीमीटर तथा उस पर दो अलग अलग शीर्ष
से डाले गए लम कर्मस 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण 20 सेंटीमीटर दे रखा है तथा उस पर अलग अलग मशीर से 2 लंब डाले गए जिनकी लंबाई क्रमश पहले की 5 सेंटीमीटर है तथा दूसरे की 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है, यह प्रश्न आया हुआ है। तरुण कुमार वेरी गुड थैंक यू। अब देखिए कोई भी चतुर्भुज जिसका कोई नाम नहीं लिखा तो हम कैसे भी मान सकते हैं एक चतुर्भुज है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की आकृति चतुर्भुज है। मान लीजिए ये विकर्ण है, ये अब ये विकर्ण कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई यहां पर बता रहा 20 और एक लंब ये माना जाएगा और एक लंब ये माना जाएगा, एक ही बता रहा 5 एक ही बता रहा 3। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 इंटू विकर्ण, विकर्ण है 20 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, एक 5 सेंटीमीटर लंबा है, एक 3 सेंटीमीटर का लंबे, अर्थात 1/2 इंटू 20 इंटू 8 ये कट जाएगा 10/80 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में रहेगा, आयतन हमेशा घन में क्यूब में रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण कर्मस 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। एक ऐसा समचतुर्भुज है, मान लीजिए एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण कर्मक 24 सेंटीमीटर समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण मान लीजिए ये विकर्ण 24 सेंटीमीटर है और ये विकर्ण 10 सेंटीमीटर। तो विकर्ण देखिए विकर्ण की विशेषता ये होती है समचतुर्भुज की कि ये रहा विकर्ण आपस में लंब समद्विभाजित होते हैं, अर्थात यदि ये 24 सेंटीमीटर है तो 12 ये हो जाएगा 12 ये हो जाएगा और यदि ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा, यहां पर ये समकोण बन रहा है तो हम ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा ये बात। कोई भी एक इसका पूजा हम ज्ञात कर सकते हैं तो ये 5 है ये 12 है तो ये यहां से यहां तक कितनी आएगी, अर्थात ये एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज का हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए लाल सिंह भाटी देखिए कर्ण ज्ञात करने के लिए सामान्य त्रिभुज का हम कर्ण ज्ञात करते हैं सॉरी तो कर्ण रूट के अंदर आधार स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 + 25 तो ये हो जाएगा 169 तो कर्ण यहां कितना हो जाएगा 13 अर्थात ये 13 सेंटीमीटर है तो अब इसका परिमाप चाहिए हमें तो परिमाप बराबर क्या होता है 4 × भुजा क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा परिमाप करेंगे हम तो 13 × 4 बराबर 52 सेंटीमीटर।
ये सामान्य चतुर्भुज के क्वेश्चन है। अब देखिए मेन क्वेश्चन आने वाले जो आयत पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं वो इस टाइप से। पहला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार फर्श का फिकर्ड 10 मीटर है तथा उसकी लंबाई 8 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या? एक आयताकार फर्श जिसका विकर्ण 10 मीटर है और उसकी लंबाई हमारे पास 8 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल इसका कैसे सेट करेंगे? क्षेत्रफल करने के लिए देखिए, ये हमारे पास आयताकार फर्श है तो विकर्ण ये मानेंगे, तो ये 10 है और इसकी लंबाई ये 8 है, तो पहले हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ये ऊंचाई है। त्रिभुज के अकॉर्डिंग हमें ये लंब ज्ञात करना है, तो लंब बराबर क्या होता है? ये 90 डिग्री कोण है, तो ये कर्ण हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64, रूट के अंदर 37, ये हो जाएगा 6, तो ये 6 हो गया। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, 8 गुणा 6, 8 × 48 वर्ग मीटर। बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन है, 52 कैसे, हाँ कमलेश अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें देखिए कितना हुआ अपने 48 वर्ग मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार वस्तु की चौड़ाई लंबाई की 3/4 है, यदि इसका क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है तो वस्तु का परिमाप क्या है? एक आयताकार वस्तु जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है तथा इस वस्तु का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का परिमाप क्या होगा? परिमाप क्या करना है? देखिए चौड़ाई है वो लंबाई की 3/4 है, अर्थात चौड़ाई कितनी है? लंबाई की 3/4, लंबाई गुणा 3/4, जो चौड़ाई है वो लंबाई की 3/4 है, मतलब लंबाई जितनी भी है उसका 3/4 है। तो ये लंबाई हम यहां से हटाते हैं तो ये इसके भाग में आ जाएगी, अर्थात चौड़ाई बटा लंबाई बराबर 3/4, अर्थात ये 3 अनुपात में लेते हैं, 3:4, लंबाई चौड़ाई 3 हो जाएगी और लंबाई 4 हो जाएगी। तो देखो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? उसको अनुपात के साथ x मान लीजिए, 3x हो जाएगी, ये 4x हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं 3x × 4x क्षेत्रफल है 768। तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा हमारा 12x² बराबर 768। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 768 में
12 का भार देंगे। भार देने पर क्या बन जाएगा, ये कट जाएगा 1272 4 और 12 चौक 48 अर्थात 64। एक्स स्क्वायर बराबर 64 है, देन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा 8। ये 8 आ गया, 8 क्या है इसकी, एक्स का मतलब 8 है, तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हमारी ये हो जाएगी 3 × 8 8 × 3 = 24 और लंबाई कितनी हो जाएगी 4 × 8 832। ये हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी चौड़ाई। तो उस वस्तु का हमें क्या चाहिए था, प्रश्न में परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई 24 + 32 कितना हो जाएगा, 2 × 6 और 5 56 अर्थात गुणा कर दोगे 12 और 10 और 1 = 11 112 मीटर। उस वस्तु का क्षेत्रफल क्या होगा, 112 मीटर। फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करवा रहे हैं, बिल्कुल सीधे सिंपल क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आयताकार फर्श की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है, तो इस फर्श में 2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइले आएगी। देखिए एक आयताकार फर्श जिसकी लंबाई 80 मीटर है तथा चौड़ाई 20 मीटर है और इस फर्श में 2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइले आएगी। तो देखिए पहले हम इसमें ये फर्श है जिसमें हमारे यहाँ टाइले लग रही वर्गाकार इस टाइप से, तो जब टाइलों किसी भी संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या ज्ञात करने के लिए बड़े वाले वो टाइलों की संख्या है, वो ईटों की संख्या हो, किसी की संख्या ज्ञात करनी हो, टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है, बड़े वाले क्षेत्रफल में छोटे वाले वस्तु का क्षेत्रफल का भाग देना होगा। तो देखिए आयताकार का हम कह सकते हैं फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। फर्श कैसा आयताकार है तो कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई 80 × 20। फर्श कैसा है वर्गाकार है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 × 2 भुजा इसका। तो अब इसको हम काट सकते हैं, कितना आएगा फटाफट आंसर बताइए। तो देखिए ये कट जाएगा 5 बार 2 × 2 = 4 और 4 × 4 = 20। अब इसको गुणा कर देंगे 8 × 8 = 40 400। कितनी टाइलें आएगी उस वर्गाकार खेत फर्श के अंदर, तो हमारे टाइलों की संख्या 400 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आता है, एक
आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। इस बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। इस बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार बगीचे के विकर्ण की लंबाई क्या है? कि देखिए, एक आयताकार बगीचा, मतलब ये आयताकार बगीचा है, इसका जो क्षेत्रफल आएगा वही क्षेत्रफल इस वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर होगा, अर्थात इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 12 × 5। कितना हो जाएगा? 12×5=60 वर्ग मीटर। अब इसके सेम क्षेत्रफल वाले, जैसे इसने कहा इस बगीचे के बराबर क्षेत्रफल वाले, अर्थात इसका विकर्ण की अधिकतम लंबाई क्या होगी? तो देखो, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल या तो भुजा स्क्वायर होता है, या आपको एक दिखाया था विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 अर्थात क्षेत्रफल वर्ग का, ये जितने का इसका आयताकार वर्ग, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल है उतना ही वर्ग का क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल ये आ जाएगा यहां पर 60 बराबर, और ये 2 इसे गुणा हो जाएगा इनटू 2 बराबर क्या हो जाएगा? विकर्ण का स्क्वायर, अर्थात ये स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 120 का रूट बराबर विकर्ण। अब 120 का रूट निकालना है तो हम रूट के अंदर कैसे सेटलमेंट करेंगे? देखो, इसका हमें 100×10 कर सकते हैं, या फिर 60 इसको तोड़ना है, 60×2 120 का विकर्ण अपन निकालेंगे, जो हमारी लंबाई होगी वो लंबाई या सेटलमेंट, इसका अपन विकर्ण आपको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने से जो हमारा होगा वो इसमें सेटलमेंट हो जाएगा। 120 का वर्गमूल सेट करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन है ये। एक आयताकार खेत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की
की कमी की जाती है तो खेत के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। देखिए, एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो कुल मिला के उस खेत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की पैरू कुमार, कौन सा क्वेश्चन उसके अंदर आपको रूट निकालना है, 120 का वर्गमूल निकालना, वर्गमूल विधि से वर्गमूल आपको निकालो। देखिए, तो वृद्धि और ये कमी दोनों आती है, वो प्रतिशत वाला फॉर्मूला सेट कर लोगे। जैसे कैसे, कभी दो लाख कमी वृद्धि 20 माइनस कमी और वृद्धि दोनों 10 माइनस 20 गुना 10 बटा 100, अर्थात ये 10 माइनस 200 बटा 100 ये कट जाएगा, 8% की वृद्धि होगी। खेत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 8% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, इसके बाद चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा मार्ग है तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या है। एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है, इसके बाहर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा मार्ग है तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, ये आयताकार खेत की लंबाई ये अभी अंदर वाला है, इसकी लंबाई 40 मीटर ये है और 30 मीटर ये है। अब इसके बाद चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा मार्ग है, ये मार्ग जो ये लाइनिंग दे रहा हूं ये मार्ग की ये, तो इस मार्ग का क्षेत्रफल क्या। देखो, इसमें देखिए कि 5 मीटर ये इधर बढ़ रही है और 5 मीटर भी ये इधर बढ़ रही है, तो ये टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 10 और बढ़ गई 50। इसमें देखिए 5 मीटर इधर बढ़ रही है, 5 मीटर इधर बढ़ रही है, टोटल ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 40, 30 में 10 जुड़ जाएगी 40। अब ये मार्ग का क्षेत्रफल जो मैंने लाइनिंग की है, मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इस बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से ये छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास मार्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, अर्थात मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल अब देखिए बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल।
तो बड़े आयत का क्षेत्रफल आपकी ये हो जाएगा 50 × 40 माइनस छोटे आयत का कितना हो जाएगा 40 × 30 तो ये हो जाएगा 20, 2000 − 1200 तो कितना हो जाएगा 800 वर्ग मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो अंदर मार्ग होता है या बाहर मार्ग होता है, दोनों मार्ग होते हैं। पैरू कुमावत 120 का कितना होगा सर? अरे 120 का वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल आपको भाग विधि से निकाल या डायरेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे ये लाल सिंह भाटी ने कहा 2√30, तो 2√30 मतलब 2 × 4 = 120, हाँ ये हो जाएगा 2√30। ऑप्शन कैसा मिलेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, वर्गमूल आपको निकालना आना चाहिए बेटे। अब देखिए मार्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एक वर्गाकार खेत की भुजा 20 मीटर है, इसके बीच में से 2 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या है? एक वर्गाकार खेत की भुजा 20 मीटर है और इसके 20 में से एक 2 मीटर चौड़ा मार्ग निकल रहा है, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए ये वर्गाकार खेत है, इसके 20 में से इधर से निकालो वर्गाकार भुजा, ये 2 मीटर चौड़ा मार्ग, मार्ग कितना है 2 मीटर चौड़ा मार्ग, ये 2 मीटर, तो ये 20 है तो ये 20 हो जाएगा। तो ये मार्ग कैसा बन गया, आयत के रूप में बन गया। तो आयत का मार्ग का क्षेत्रफल मतलब एक आयत का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल मतलब ये आयताकार वस्तु बन गई, लंबाई गुना चौड़ाई 20 × 2 = 40 वर्ग मीटर, या फिर वो कह सकता है मार्ग रहित खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मार्ग रहित खेत का क्षेत्रफल, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस ये जो मार्ग का क्षेत्रफल कितना आया 40, अर्थात 400 − 40 360 वर्ग मीटर। कई बार वो मार्ग का क्षेत्रफल पूछ लेता है, कई बार मार्ग रहित खेत का क्षेत्रफल पूछ देता है, कई बार वो कह देता मार्ग व खेत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, मार्ग व खेत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या। तो मार्ग का मार्ग व मार्ग रहित खेत के क्षेत्रफल का, तो इन 360 × 40 इस टाइप से हम इसको ले सकते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्रमश 225/256 है, तो उनके परिमाप
का अनुपात क्या होगा? किन्हीं दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 225 अनुपात 256 है तो उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा? इनके परिमापों का अनुपात कितना होगा? देखिए, पहले वाले वर्ग का ये 225 है और दूसरे वाले का, तो देखो फर्स्ट वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो अपन 200 इसकी क्षेत्रफल दे रखा है 225 मानते हैं अनुपात के साथ में, तो इसकी भुजा क्या बन जाएगी? रूट 225 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगी भुजा, भुजा हो जाएगी 15। और 256 सेकंड का क्षेत्रफल है 256, तो भुजा स्क्वायर होता है, तो इसकी भुजा क्या बन जाएगी? 16। अब हमें परिमाप चाहिए कि परिमाप का क्षेत्रफल क्या है, तो परिमाप का क्षेत्रफल याद करने के लिए अपन कैसे क्या सेटलमेंट करेंगे? तो इसका पहले वाले का परिमाप कितना होगा? वो सेम चीज है, परिमाप हो जाएगा 15 × 4 1560। और दूसरे वाले का परिमाप कितना होगा? 64। वापस इनका परिमाप का अनुपात चाहिए हमें 7:64। अब ये कट रहा है तो काट दीजिएगा, जैसे वापस कोई 15 से कट, सॉरी ये कट जाएगा 4 से, 15 × 4 और वापस 16, 15:16। मतलब उनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा? 15:16। नेक्स्ट देखिए, 15:16। हाँ, वेरी गुड चंदन सिंह, वैरू कुमार 9:1, वैरू क्या निकला? अच्छा वो निकला होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितेंद्र सिंह वेरी गुड, लक्ष्मण नेहरा 5:6 वेरी गुड। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एक वर्गाकार खेत की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो जहां भी प्रतिशत मतलब आयत है, वर्ग है, वर्थ है, इसमें प्रतिशत संबंधी इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, इतने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, ऐसा कर दिया जाए, तो आपको प्रतिशत वाले फॉर्मूले लगाने हैं। और प्रतिशत वाले फॉर्मूले जो प्रतिशत करना आपको रेगुलर बता रखे है कि खेत की 10% आयत है, वर्ग है, वर्थ है, इनकी किसी एक चीज 10% की वृद्धि 15% की वृद्धि तो उतनी दूसरी वृद्धि मानी जाएगी, एक 10% की कमी 15% कमी तो उतनी ही दूसरी कमी मानी जाएगी। अर्थात इसने, हाँ ये किसने लिखा? माइक चौहान वेरी गुड, 21 चंदन सिंह 21। ठीक है, देखिए इसने दो लगातार वृद्धि हो गई तो अपन लगातार कुल वृद्धि प्रतिशत कह सकते हैं, कुल वृद्धि
प्रतिशत। तो लगातार वृद्धि 10 + 10 + 10 × 10 बटा 100, ये हो जाएगा 20 + 100 / 100। तो इसमें थोड़ी बारीकी हमें ये ध्यान रखनी है, कई बार क्या होता है अपन जल्दबाजी में होते हैं 20 से 20 100 से 100 काट देते हैं और 20 को राइट कर देते हैं, देन या एक होगा भाग देंगे 20 + 1 = 21% की वृद्धि होगी। तो खेत के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 21% की वृद्धि होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना इस टाइप का रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये, एक दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात कर्मस 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन भी है। देखिए तो देखिए दो वर्ग, पहले वर्ग का विकर्ण ही 2 मान लेते हैं और दूसरे वर्ग का विकर्ण ही 3 मान लेते हैं, तो उनके क्षेत्रफल का पहले का क्षेत्रफल अनुपात दूसरे का क्षेत्रफल, तो विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 अनुपात, दूसरे वाले के लिए भी विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, अर्थात पहले वाले का विकर्ण कितना 2 है, तो हमारे आ जाएगा 2 का स्क्वायर / 2 अनुपात तीसरा 3 का स्क्वायर / 2। तो अब देखिए क्या हो सकता है इसका, ये कट जाएगा यहां पर 4 में 2 का भाग देंगे 2:9/2 ये कट गया, स्क्वायर से ये 2 कट गया, यहां बचा 2 और यह 3 × 3 करेंगे 9:9/2। अब ये अनुपात ऋणात्मक अनुपात है, इसको साधारण अनुपात में बदलेंगे, ये से गुणा हो जाएगा 4:9, तो उनके क्षेत्रफल का यदि विकर्ण में आया हुआ प्रश्न विकर्ण का अनुपात दे रखा है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात हम इस प्रकार से ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्षेत्रमिति के इसी से कनेक्टेड टॉपिक चल रहा है, वो आ रहा है वर्थ। ये चतुर्भुज अपने खत्म हो रहे हैं, अपने सीट में अलग अलग टाइप के चतुर्भुज के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, यदि किसी ने सबको सीट मिल रखी है फिर भी यदि सीट नहीं है सीट में देख लीजिए, यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो सीट का भी अपन जैसे ही खत्म होने के बाद पर डे एक क्लास लेगी जाएगी या जिसमें सीट के अकॉर्डिंग चलेगी, सीट में दिए हुए प्रश्नों को हल किया जाएगा, उसके संबंधित और चीजें बताई जाएगी। अब वो प्रश्न ये है हमारा नेक्स्ट में अपना आ रहा है वर्थ सर्कल, जो इस टाइप का होता है, ये इसका केंद्र बिंदु कहलाता है, ये उसकी परिधि सर्कमफेरेंस कहलाती है और यहां से केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या कहलाती है, रेडियस जिसको हम आर से लिखते हैं, क्या कहलाती है रेडियस, और वर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है, वर्थ को 2 बराबर भागों में बांटने वाला, वर्थ को 2 बराबर भागों में बांटने वाला रेखा खंड व्यास डायमीटर डी कहलाता है,
वर्त को दो बराबर भागों में बांटने वाला रेखाखंड व्यास डायमीटर डी कहलाता है। अर्थात व्यास बराबर दो गुणा त्रिज्या, त्रिज्या को डबल करते ही हमें व्यास मिल जाता है, या त्रिज्या बराबर व्यास बटा डी बटा रो, व्यास को आधा करेंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाती है। अब इसके अपने सिंपल साधारण प्रश्न होते हैं वर्त के, वो ये होते हैं, एपिसेनी वरना पता नहीं चलता कब क्लास होती है, किसका एपिसेनी क्लास का टाइम फिक्स नहीं, एपिसेनी क्लास की टाइम फिक्स नहीं होती है, शाम के टाइम ही लगेगी, जब भी लगेगी तो आपको पहले शेड्यूलिंग या घंटा पर पहले टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बाई डिफेंस अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डाल दिया जाएगा 3-4 घंटे पहले, इतने बजे के आसपास हो जाएगी तो वही होगी। अब देखिए ये पूरी परिधि कहलाती है, तो वर्त की परिधि ज्ञात करनी है, वर्त की परिधि 2πr होती है, अर्धवर्त के वक्र पृष्ठ की परिधि। वक्र पृष्ठ का मतलब यहां पर यह लिया गया है, जैसे ये पूरा वर्त होता है इसका ये भाग हमने काट दिया यहां से, तो यहां से यहां तक मतलब यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो आते हैं तो ये वक्र पृष्ठ कहलाएगा, इसको आधा कर देंगे तो हमारे पाई आर आ जाएगा। इसी प्रकार अर्ध वर्त के संपूर्ण पृष्ठ की परिधि, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब यहां से लेके यहां तक तो अपन जाए, इसके आगे वापस यहां आ जाना, मतलब ये आर आर दो बार पाई आर प्लस टू आर ये हो जाएगा। वर्त की परिधि का याद रखना है, वक्र अर्धवर्त की परिधि मतलब आधी परिधि, और ये इस टाइप से रखना है। दूसरा वर्त का फॉर्मूला रहता हमारे पास वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा टू, वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर। ये वर्त की बेसिक जानकारी और वर्त के संबंधित है, वर्त अपने सिलेबस का नहीं आता है, इस पर कभी कभार रेयर केस जैसे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज अपने सिलेबस में नहीं माने जाते हैं, इसी प्रकार वर्त भी नहीं होता है, इसके क्वेश्चन रेयर एंड रेयर केस हमें मिलता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन कैसे कैसे कभी कभार जो आज से मेरे 14 साल के अनुभव के अनुसार कैसे कैसे क्वेश्चन कभी कभी आए हुए हैं, तो उस क्वेश्चन के बारे में अभी आपसे डिस्कस करते हैं। हनुमान गोतारा क्लास का टाइम बताओ, इवनिंग में टाइम 5 से 8 बजे के बीच में रहेगी, इंग्लिश और मैथ की क्लासेस वो टाइम के अकॉर्डिंग सेट होती रहेगी। अब देखिए सीधे सिंपल प्रश्न अपने वर्त के संबंधी बात करते हैं, एक एक वर्ताकार वस्तु की परिधि 88 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ताकार वस्तु की परिधि 88 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, किस टाइप से होगा। देखिए 2 पाई आर बराबर परिधि होती है 88, 2 गुणा
22 बटा 7 गुणा आर बराबर 81। तो देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे 44, 22 44 44 से ये कटेगा दो बार, अर्थात आर बराबर ये 7 इससे गुणा हो जाएगा, आर बराबर 14 मीटर। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, 22 बटा 7 इंटू 14 इंटू 14 ये कट जाएगा दो बार, गुणा करोगे 22 44 इंटू 14 56 और 56 61 इतने वर्ग मीटर कि उसकी परिधि दे रखी है। तो पहले हमने त्रिज्या ज्ञात की और त्रिज्या से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया गया। अब देखिए किन्हीं दो वर्तों की त्रिज्याएं क्रमश 5:8 है, तो दो वर्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:8 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? कोई दो वर्त है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्रमश 5:8 है, तो फिर हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहले वर्त की त्रिज्या R1 मान लेंगे 5 और दूसरे वर्त की R2 मान देंगे। पहले वर्त का क्षेत्रफल R1 का स्क्वायर अनुपात दूसरे वर्त का क्षेत्रफल R2 का पाई R2 का स्क्वायर, तो पाई से पाई कट जाएगा, R1 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर अनुपात 8 का स्क्वायर अर्थात 25:64। दोनों वर्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 25:64। देखिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या 7 मीटर है, इसके बार चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो मार्ग का क्षेत्रफल क्या है? एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या 7 मीटर है, इसके बाद चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए ये वर्त है, इसकी त्रिज्या 7 है, इसके बाहर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा मार्ग है, तो ये होगा, ये मार्ग है यहाँ पर, इसकी लंबाई भाई या तो इसका गैप आ रहा है, वो आ रहा है इन दोनों के बीच में 2 मीटर का गैप, तो इस बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 9 मीटर। अब हमें मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े वर्त के क्षेत्रफल में से छोटे वर्त के
क्षेत्रफल को घटाना है, अर्थात बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का पाई आर टू स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का पाई आर वन स्क्वायर। मतलब यहाँ आर वन अपन मान सकते हैं 7 एंड आर टू मान सकते हैं 9, पाई दोनों में कॉमन आ गई तो आर टू का स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, पाई यहाँ कॉमन रह देगी 12, तो 81 माइनस 49 अर्थात माइनस करने पे कितने आ जाएंगे 32 पाई वर्ग मीटर। या फिर ये नहीं होता है तो 32 गुणा 22 बटा 7 से गुणा करना। जहां तक आपको 32 पाई लिखा हुआ मिलता है, पाई लिखा नहीं मिलता है तो 32 इसको 32 इंटू 22 बटा 7 करना है। नेक्स्ट देखिए, ये फिक्स क्वेश्चन है, एक वर्ताकार पहिया 11 किलोमीटर की दूरी पार करने में 1000 परिक्रमण या चक्कर या राउंड 1000 परिक्रमण लगाता है तो पहिए का व्यास क्या है। फिक्स क्वेश्चन है, या कई बार आता है 10 सेकंड में 40 चक्कर लगाते हैं, 50 चक्कर लगाता है तो उसकी स्पीड क्या है। कई बार समय दूरी चाल से कनेक्ट कर दिया जाता है, कई बार इसको वर्ग से भी अपन ले सकते हैं, क्षेत्रमिति के अकॉर्डिंग वर्ग से भी ले सकते हैं, तो दोनों सेम कंडीशन रहता है। तो देखिए इसका एक फिक्स क्वेश्चन है इस प्रकार का आता है। देखिए जैसे, तो देखिए ये पहिया 11 किलोमीटर की दूरी पार करने में वो 1000 परिक्रमण करता, मतलब 1000 राउंड कर पार करता लगाता है। तो देखिए 1000 परिक्रमण मतलब चक्कर परिक्रमण में तय की गई दूरी, 1000 परिक्रमण में तय की गई दूरी 11 किलोमीटर, या अपन मीटर में कहते हैं 11000 मीटर। तो एक के अंदर कितनी दूरी करेगा तय, एक के अंदर वो कितनी दूरी तय करेगा 11000 बटा 1000, ठीक है। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 11 मीटर एक परिक्रमण, मतलब ये इस टाइप से होता है, एक परिक्रमण मतलब ये वर्त की परिधि के बराबर होता है। 11 मीटर बराबर क्या कह सकते हैं हम, वर्त की परिधि, अर्थात 11 बराबर 2 पाई आर, अर्थात 11 बराबर 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू आर। अब देखिए 11 से 22 कट जाएंगे यहां पर दो बार, तो 7 इधर आ जाएंगे, 7 बराबर 4 आर, तो 7 बटा 4 बराबर आर, तो भाग देंगे कितना हो जाएगा इसमें, 7 में 4 का भाग दे, 4 एकम 4 1.3 728 5, इतने ये आर आया है इतना मीटर, तो हमें व्यास करना है तो 2 से गुणा कर दो। इसने पूछा है भाई एक आर व्यास कितना होगा, तो ये त्रिज्या ही है, आर त्रिज्या ही है, व्यास हो जाएगा 5 × 10 7 × 14 = 15 2 × 3 3.5 मीटर 3.5 मीटर, अर्थात पहिए का व्यास त्रिज्या कहते हैं तो 1.75, और उसने व्यास की बात की है तो उसका व्यास हो जाएगा, पहिए को दुगना कर दोगे तो हमारे पास व्यास आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है तो वर्ग की भुजा व वर्ग की त्रिज्या का अनुपात क्या है? एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग है उस वर्ग का क्षेत्रफल तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब प्रश्न ये है कि ये वर्ग है इसका क्षेत्रफल जितना है वो क्षेत्रफल बराबर है, एक वर्ग है इसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की भुजा और वर्ग की त्रिज्या का अनुपात क्या है? वर्ग की भुजा और वर्ग की त्रिज्या का अनुपात क्या है? अब देखिए अनुपात क्या है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल आएगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास होता है भुजा स्क्वायर, भुजा हम मान लेते हैं ए स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसने प्रश्न ने क्या पूछा, वर्ग की भुजा और वर्ग की त्रिज्या का अनुपात क्या है? तो वर्ग की भुजा हमने a मान ली और वर्ग की त्रिज्या r है, इस r को यहां से हटाते हैं तो ये r इसके भाग में आ जाएगा, अर्थात क्या होगा a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर अपॉन ये r इसके नीचे आ जाएगा r स्क्वायर बराबर ये वर्ग पाई आ रहा है तो पाई का मतलब 22/7। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट हो जाएगा, अर्थात क्या होगा a बटा r बराबर रूट 22/7, रूट 22/7। अब देखिए कि अपने क्या होता है कि इनकी जो मतलब ये क्षेत्रफल अनुपात आ रहा है हमारे पास तो सीधा सिंपल आ रहा है कि भाई इसने कहा है वर्ग की भुजा, तो ये a आ गई वर्ग की भुजा और वर्ग की त्रिज्या ही r आ गई त्रिज्या, तो इसका अर्थात इनका अनुपात क्या रहेगा, वर्ग की भुजा ऊपर है वर्ग की त्रिज्या नीचे, अर्थात इनका अनुपात माना जाएगा रूट 22/7, कि इन दोनों की वर्ग की भुजा और वर्ग की त्रिज्या का अनुपात क्या रहेगा, तो ये हमारा अनुपात रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, एक तार से एक वर्ग बनाया जाता है, उस वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, उसी तार से एक वर्ग बनाया जाता है उसी तार से एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? एक तार से एक वर्ग बनाया गया, उस वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, उसी तार सेम तार से एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा?
देखिए एक तार था हमारे पास, इससे हमने एक वर्ग बनाया, इसका क्षेत्रफल मिला है हमें पर्सन के अकॉर्डिंग 484। तो क्षेत्रफल मिला है तो इस वर्ग की हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। भुजा बराबर क्या होगा, रूट अपॉन क्षेत्रफल 484। तो भुजा कितनी हो जाएगी, 22। 22 मीटर भुजा है। तो इस वर्ग इसी जो ये तार था, ये तार से वापस इसी तार को यहां से तोड़ा इस पॉइंट से और इतना लंबा करके मान लीजिए इस पॉइंट से तोड़ा तो एक लंबाई ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई, चौथी यार इनको ऐसे लंबा किया, एक उसी लंबे को वापस एक सर्कल बनाया। तो अब इसकी परिधि मतलब इसका क्षेत्रफल भुजा इतनी आई है, तो ये तार की लंबाई कितनी है, मतलब तार की लंबाई तो कितनी हो जाएगी, मतलब हम कह सकते हैं वर्ग का परिमाप, तार की लंबाई है जो वर्ग का परिमाप कहलाएगी, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, भुजा 22 है तो 22 गुना 488 मीटर, ये वर्ग का परिमाप है। तो अब इस वर्ग परिमाप इसी सेम तार को इस ये वर्त बनाया गया, अर्थात वर्त की परिधि कितनी होगी, वर्त का परिमाप ही वर्त की परिधि होगी, बराबर वर्त की परिधि। क्योंकि देखिए पर्सन का ये जो वर्त था ये इसी को खोलकर वापस वर्त बनाया गया, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों सेम रहेगी, अर्थात तार की लंबाई मतलब वर्त का परिमाप वो वर्त की परिधि बनकर हमारे सामने आएगा। तो ये हो गया 88 बराबर 2 पाई आर, पाई का मतलब हो जाएगा 22/7, वर्त की परिधि के बराबर हमें करना है। तो वर्त की परिधि होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो देखिए ये दोनों हो जाएंगे 22 × 44, 44 से ये कटेगा 2 बार और 7 इससे गुना हो जाएगा 14 बराबर। तो देखो वर्त की त्रिज्या कितनी आई है, 14। अब ये कह रहा उसका वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 14 × 14, ये कट जाएगा 2 22 × 44 इंटू 14 गुणा करेंगे 54 × 5 = 61 616 वर्ग मीटर, ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप। मतलब एक वर्ग था, वर्ग के तार को तोड़कर उसी क्षेत्र का वर्ग बनाया गया, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए सम्य दूरी सॉरी क्षेत्रमिति का फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने त्रिभुज चतुर्भुज और वर्ग कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट अपनी जब क्लास होगी उस क्लास के अंदर अपने घन घनाभ शंकु बेलन और गोला करवाया जाएगा। इस वीडियो जिसने देखा है उनके लिए ठीक है, जिसने नहीं देखा जिसका लिंक को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। धन्यवाद।